हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पहेली है, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी लॉजिकल पहेलियां आपको मिलती रहे। तो चलिए पहेलियां शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ वैलेंटाइंस डे पहेलियां सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की पहेलियां शुरू करते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोग अपने अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं और वैलेंटाइन डे सबके साथ एंजॉय करते हैं। वही अय्यर वैलेंटाइन डे के मौके पर बबीता जी को एक दिल गिफ्ट करता है, जिसे देख के बबीता जी बहुत खुश हो जाती है और अपना गिफ्ट दिखाने के लिए सभी को अपने घर बुला लेती है। सभी को बबीता जी का दिल यानी कि अय्यर ने दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आता है और फिर बबीता जी का गिफ्ट देख के सब अपने अपने घर चले जाते हैं और बबीता जी भी अपना दिल साइड में रख के नहाने के लिए वहां से चली जाती है। इधर भिड़े बबीता जी के घर फिर से आ जाता है और अय्यर से पूछता है कि बबीता जी है क्या। तब अय्यर भिड़े को बताता है कि बबीता जी तो नहा रही है। यह सुन के भिड़े बबीता जी के घर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मेहता जी आते हैं अय्यर से बातचीत करने के लिए और थोड़ी ही देर बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बबीता जी के घर जेठालाल आता है सभी को मिठाई बांटने के लिए और वो भी फिर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में बबीता जी नहा के वापस आती है तो वह देखती है कि उनका दिल वहाँ से गायब है। वह समझ जाती है कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। चोर को पकड़ने के लिए बबीता जी सबको अपने घर वापस बुला लेती है और सबसे पूछती है कि मेरा दिल किसने चुराया है। सभी कहते हैं, नहीं बबीता जी, हमने आपका दिल नहीं चुराया है। तब बबीता जी सबको पूछती है कि आप सब मेरे घर से जाने के बाद कहाँ गए थे। तब सब लोग एक एक करके बबीता जी को बताते हैं। भिड़े कहता है, मुझे तो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाना था, इसलिए मैं आपके घर से जल्दी ही निकल गया था। मेहता जी कहते हैं, मुझे अंजलि जी को पार्क में घुमाने लेके जाना था, इसलिए मैं भी आपके घर से जल्दी ही निकल गया था। फिर लास्ट में जेठालाल कहता है, मुझे तो दुकान में काम पे जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं भी आपके घर से जल्दी निकल गया था। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद बबीता जी समझ जाती है कि उनका दिल किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप सभी की बातें सुन के बता सकते हो कि बबीता जी का दिल किसने चुराया है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, बबीता जी का दिल और किसी ने नहीं बल्कि जेठालाल ने चुराया है, क्योंकि वैलेंटाइन के दिन गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों ने अपने अपने कामों से छुट्टी ली थी। फिर जेठालाल ने ऐसा क्यों कहा कि उसे दुकान में काम पे जाने के लिए देर हो रही थी? तो दोस्तों, जेठालाल झूठ बोल रहा है और उसी ने बबीता जी का दिल चुराया है। तो दोस्तों, आपको यह आज की मजेदार पहेलियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।